आपको ये आगे वाला घेर आज हटा लो तो 5 दिन का दे देंगे। अगर आज को घेर हटा लोगे ना ये हटा लोगे तो 5 दिन का मिल जाएगा। सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी बस्तियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है। लगातार जो है लोग बीच के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जेसीबी की तरफ से जो है ये सारी की सारी अवैध बस्तियां तोड़ी जा रही है। पीछे का कारण बताया जा रहा है कि डाबरा चौक को सीधा राजगढ़ रोड से जोड़ने के लिए जो भी बीच का रास्ता निकलता है उसके ऊपर अवैध बस्तियां बनी हुई है, अवैध घर बने हुए हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जो है यहाँ से एक रास्ता निकाला जाएगा, डाबरा चौक को सीधा जो है राजगढ़ रोड से कनेक्ट किया जाएगा, उसी को लेकर के आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। वहीं अगर जेसीबी की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं लगातार जो है जेसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जो लोग हैं यहाँ के वो कहीं ना कहीं जो है आक्रोशित हो चुके हैं, उनका ये मानना है कि वो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं तो ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई ना की जाए। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई जो है की जा चुकी है, क्योंकि डाबरा चौक से राजगढ़ रोड को जोड़ना है, इसी को लेकर के लगातार जो है अवैध जितने भी घर हैं इनको तोड़ा जा रहा है। मुझे ये बताइए इनकी रजिस्ट्री नहीं है आपके पास? टैक्स हाउस है हमारे पास, रजिस्ट्री नहीं है। टैक्स हाउस हम बहुत दिन से भर रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हो? कम से कम 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 30 साल किस किस के घर तोड़े जा रहे हैं आज? सबके ही तोड़े जा रहे जी, ये 30 साल से हम रह रहे हैं इधर। तो गुस्सा कितना है? गुस्सा हमारे में बहुत है। क्या तोड़े जा रहे हैं ये? हमने 30-40 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। हम जाएंगे बताओ, बड़े कोई नहीं है क्या? आप लोगों को पहले टाइम दिया गया था? कल ही बोल के गए थे जी। अभी मीटर लगवाए और गवर्नमेंट ने मीटर लगाए और मीटर की तार भी काट दी इन्होंने सबने। अभी मतलब जय को भी धमका, सारे को धमका, कोई नहीं बात करता। और ये बस्ती वाले सारे फुद्दू फड़ाका, कोई नहीं चुस्कता है यहाँ। कोई भी जो बोल लगा उसी को अंदर ठगवा देंगे। ये गलत है कि नहीं है? मीटर लगवाए 10 दिन भी नहीं हुए, 15,000 रुपये मेरे खर्चा के लगे और ऊपर से मेरे को ये कह रहे हैं अब भाई वो डंड तेरे लगेगा। उसमें कौन सा एफिडेविट में लिखा था? इन्हें मीटर लगवा दिया, जल्दा फटाफट लिया, तार लिया, मीटर पास हो गया। MC ने भी साइन कर दिए, सब ने साइन कर दिए। ये गलती क्या हमारी? बिजली वाला ने बहुत कुछ कर पीछे जगह कब्जे की, ये पीछे साफ ये करके अगर ये लेते पीछे तोड़ के फिर हम खाली कर देते। उनके तो हो गए थे कोठी वाले, हो गए इनसे तो डर रहे। चलिए आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक जो है ये रास्ता बनने वाला है और क्यों जो है इस रास्ते को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पीछे से लेकर के और यहाँ तक जो है, जो ये आप लोगों को पक्के घरों के पीछे भी जगह दिखाई दे रही है वहाँ पर जो है अवैध बस्तियाँ बनी हुई है उनको भी तोड़ा जाएगा। लगातार जो है बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रास्ता जब बनेगा, जब वो सेंटर जेल की वो नहीं है, सेंटर वाली है रेलवे वाली, वो टूटेगी। अब तोड़ो उसको, अभी तोड़वाओ, हम साथ में खड़े हैं, अभी तोड़वाओ। आपको क्या लगता है कि वो जगह जो है वो तोड़ी नहीं जा रही है? आप लोगों की बस्तियां तोड़ी जा रही है। रास्ता होगा गनू के गदी का रास्ता होगा, गरीब आदमी आके झुपड़े तोड़ दिए, वो तोड़ो वो रास्ता तो होगा, वो खुलवाओ। यू रास्ता है आपको बता देते हैं कि पटेल नगर के MC महेंद्र जुनेजा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। महेंद्र जी मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इस रास्ते को जो है जोड़ा जाएगा, इस वजह से यहाँ से ये जो अवैध कब्जे है वो हटवाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो 30-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं, तो क्या 30 साल पहले से रास्ता नहीं दिखाई दिया था? रास्ता तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे बनते हैं जी। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे बनते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो क्या कोई नक्शा पास करवाया गया? कैसे जो है तुरंत ये एक्शन लिया गया? नहीं तुरंत भी, काफी टाइम से चल रहा है सिस्टम,
काफी टाइम से चल रही है बात। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि जेल की जो दीवार है वो भी जो है अवैध बनी हुई है, तो क्या आपका भी यही मानना है? कौन सी जेल की अवैध दीवार है? जो ये अपनी रेलवे की लेन है, लेन की दीवार तोड़ो पहला, जब भी रास्ता बनेगा पहले बनेगा रास्ता, पहले तो नहीं बनता होगा। लेन की दीवार की बात करें क्या वो भी तोड़ी जाएगी? पहले वो तोड़ो रास्ता होगा। एमसी साहब जवाब दीजिए इनकी बातों का। साहब क्या जवाब देंगे? जवाब एमसी साहब गए ना तो जब नहीं तोड़े जवाब ही नहीं दे। एमसी साहब के पास फोन किया मैंने, हमारे मकान टूटने लग रहे हैं, आगे कोई बात नहीं। एमसी साहब ये कहो पहले वो दीवार तोड़ो, बाद में सलूशन होगा साइड का, पहले वो दीवार तोड़ते आओ उस तरफ से, ठीक है? नहीं, ये मेरे से पहले आए हुए थे, इनको कह भी गए थे। अब ये इधर वाले हैं जो खाली पड़े थे, ये तोड़ दिए हैं और अब वो वापस चले गए हैं। तो क्या पहले आपने टाइम नहीं दिया था जगह खाली करने के लिए? ना देना था टाइम, तो उन्होंने देना था। आपकी तरफ से एमसी वाले के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बताया तो होगा इनको? नहीं नहीं, इन्होंने मेरे को परसों ही बुलाया है भाई, वो आए थे तो मैं बोला कौन आए थे, मैंने पूछा इनसे, इनको पता नहीं था, बोला जी। फिर ये परसों कौन आया था यार? ये बात बताओ मैडम जी, आप तीन दिन का टाइम देता है क्या? कोई तीन दिन का टाइम देता है? त्वार का दिन कोई टाइम देता है क्या? कोई नहीं देता। तीन दिन का टाइम ये गिरवाओ, हाँ ये नारा रे गिरवाओ, ये नारा। आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले, जी हाँ तीन दिन पहले, हिसार के पटेल नगर के पीछे पड़ने वाली वाल्मीकि बस्ती के अंदर जो है जेसीबी चलाई जा रही थी, उसके बाद एमसी को अवगत करवाया गया। और अगर अब की बात की जाए तो अब जो है एमसी बकायदा मौके के ऊपर मौजूद है। और आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, हिसार के पटेल नगर के पीछे पड़ने वाली वाल्मीकि बस्ती के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी की तरफ से जितनी भी अवैध जो है जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो सारी तुड़वाई जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम हिसार के पटेल नगर के पीछे पड़ने वाली वाल्मीकि बस्ती के अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है कि डावड़ा चौक को सीधा राजगढ़ रोड से जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से शहर के अंदर ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी जो है तारे जिसके ऊपर यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन्होंने अवैध तरीके से अपनी तार जोड़ी हुई थी, उनको जो है वो हटा दी गई है तार, और एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है लगातार। बताया जा रहा है कि ये हुड्डा की जगह है और इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जानने की कोशिश करते हैं सर, अगर इस ज़मीन की बात की जाए तो लगभग जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनका कहना है कि वो 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो 30 सालों से पहले क्या देखा नहीं गया कि यहाँ पर कब्जा किया हुआ है? लेट मी टेल यू, देखिए ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP की ज़मीन है और इनको बार बार पहले भी कहा गया था और पहले भी कब्जा हटाया गया था, परंतु फिर जैसा कि आप देख रहे हैं ये अवैध कब्जा छोटी छोटी झोंपड़ियाँ डाल करके कर लेते हैं, तो इनको आज फाइनली ये कहा गया कि आप अपना चाहे किराए पे रहिए चाहे कहीं और जाकर के रहिए इस जगह पे, क्योंकि अब डेवलपमेंट होनी है, तो इसलिए HSVP द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई है और आज फिर कार्रवाई की गई है 9 मार्च 2023 को। और तीन दिन पहले भी शायद कोई कार्रवाई की गई थी, तो उसके बाद कितने दिन का समय दिया गया? देखिए इनको समय की बात जहाँ तक है, समय बहुत दिया गया है, बहुत ज़्यादा समय दिया गया है, और अब कार्रवाई आपके सामने, चाहे कोठी वाले ने अवैध कब्जा किया हो चाहे झोंपड़ी वाले ने किया हो, हमारे लिए सब बराबर है। चाहे कोठी वाले ने कब्जा, आप देखिए प्लीज़ दिखाइए, आप कोठी वालों का कब्जा हटाया गया है, झोंपड़ी वालों का कब्जा हटाया गया है। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूँ अवैध कब्जा ना करें, हक हलाल की कमाई अपनी खाएं, अच्छे तरीके से रहें, शांति से रहें। और इन्होंने आज हमारा सहयोग किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आज इन्होंने सहयोग किया और इन्होंने 5 दिन का समय मांगा है और इन्होंने कहा है कि 5 दिन में हम यहाँ से चले जाएंगे। इन्हें खुद भी पता है बिजली,
नहीं जाएगा। बिजली के कनेक्शन भी अवैध है, ज्यादातर लोगों ने 5 दिन का कहा है। तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कैसे खाली कर देंगे जी यहाँ पे? 30-40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। आपने बोल दिया खाली कर दो, गरीब आदमी कोना तोड़ा है, गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? अगर कहो देखो कैमरा देखते ही आप 5 दिन में कहाँ जाएंगे? अभी 2 दिन का मांग रहे थे, मैंने 5 दिन दे दिए। ये सारी दीवार तोड़ो, जाएगी कहाँ? आपका कोना तोड़े, पूरा मकान नहीं तोड़े, इसीलिए तो आपको टाइम मिल गया। आराम से चलते हैं, आपको टाइम मिल जाए। कौन है क्या उसको सोल्यूशन होना चाहिए गरीब आदमियों का? सोल्यूशन आप खुद देखें, क्या सोल्यूशन आप खुद देखें। हमें तो साहब जी साधन लोन से रास्ता करते थे, कौन नहीं बोलता? आप पहले ऐसे थे करो, आप क्यों नहीं करते? तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है शहरी प्राधिकरण निगम की तरफ से। पैसा नहीं भर रखा। कौन सा घर है आपका? ये घर मेरा है, ये वाला घर जो कोठी बनी हुई है ये आपकी है? बनी हुई है, इनके जन्म हो रही है। पहले पैसा लेने का ग्रिल भरवा दिए, अब ये तो तोड़ने लग रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वाल्मीकि बस्ती के जितने भी अवैध जगह के ऊपर कब्जे किए हुए थे उनको 5 दिन का समय दे करके अभी जितने जितने जो है बार बार की बाउंड्री थी वो तोड़ दी है। हमारे हमारे मोहल्ला में तोड़ लाग रहे लो मैडम, सब कसी तरह लिया जाए, क्यों गरीब मार क्यों कर रहे हो? सभी का करो एक जैसे कर रहे हो तो ठीक है, रोड तो सारी जगह मिलेगा आपको, ठीक है ना? नहीं सारे की तोड़ो ना, एक जगह की एक एक गरीब गरीब मार। ये एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त हिसार के पटेल नगर के पीछे पड़ने वाली वाल्मीकि बस्ती के अंदर की गई है। हालांकि 5 दिन का समय एक बार दे दिया गया है, उसके बाद अगर ये खुद खाली कर देते तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आकर के शहरी प्राधिकरण निगम की जितनी भी टीम है आकर के एक बड़ी कार्रवाई दोबारा से करेगी। इससे पहले भी एक कार्रवाई की गई थी, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब जो है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है, समय दे दिया गया। लेकिन अब बड़ी बात यह है देखने वाली कि यहाँ से जो डाबरा चौक से राजगढ़ रोड को कनेक्ट करने के लिए सीधी सड़क बनने वाली है, क्या यहाँ पर जितने पक्के घर बने हुए इनको भी तोड़ दिया जाएगा? क्योंकि पीछे की जगह जो है वो दीवार तोड़ दी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो पक्के घर बने हुए इनको भी तोड़ दिया जाएगा। खैर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।